फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव सीन हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, मॉडिफाइड प्रॉक्टर, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पेक्शन, इनकी क्या क्या डिटेलिंग होती है, कैसे करते हैं इनको, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये टेस्ट जो हमने किया है ना, तो उसके बाद हमें रिज़ल्ट क्या निकालना होता है, ठीक है। सो वी विल सी, देखिए जैसे हमने हैवी कॉम्पेक्शन किया, लो कॉम्पेक्शन के जो भी किया, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमने इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पेक्शन टेस्ट किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लेयर फिल की सॉइल की, उसको कॉम्पेक्ट किया 25 बार, फिर दूसरी लेयर फिल की, उसको 25 टाइम्स कॉम्पेक्ट किया, फिर तीसरी लेयर फिल की, उसको 25 टाइम कॉम्पेक्ट किया। तो उसके बाद क्या होगा कि हमें क्या करना होता है, ये जो कॉम्पेक्शन किया हमने, हमने समझ लिया कि भाई डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट है हमारे पास, है ना। तो हमने सारी प्रोसेस की किसके लिए, हमने प्रोसेस की मान लो इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पेक्शन के लिए, ठीक है। हर किसी के लिए जो भी डिटेल्स हैं वो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ली थी, है ना, तो आपको वो देखना ज़रूरी है अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो तो, ठीक है। तो हमने इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पेक्शन के हिसाब से टेस्ट सारे परफॉर्म किए, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके हमने टेस्ट परफॉर्म किया दोस्तों, ठीक है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एम्प्टी मोल्ड का वेट लेना होगा, ठीक है। इस मोल्ड को बिना सॉइल भरे इसका हमें वेट लेना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसका वेट लिया क्या, W1, ठीक। अब हमने क्या किया, एक लेयर फिल की कॉम्पैक्ट किया, दूसरी लेयर फिल की कॉम्पैक्ट किया, तीसरी लेयर फिल की फिर कॉम्पैक्ट किया। तो सारा कुछ करने के बाद हमें क्या लेना होगा, इस मोल्ड का वेट लेना होगा दोस्तों, ठीक है। सब कुछ करने के बाद हम इस मोल्ड का वेट लेंगे, ठीक है। तो वो जो वेट लिया हमने, पहले हमने क्या लिया था, एम्प्टी मोल्ड का वेट W1। अब हमने क्या किया, मोल्ड प्लस सॉइल का वेट किया W2, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमें सॉइल का वेट निकालना है, इस मोल्ड में कितनी सॉइल है उसका वेट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी मोल्ड का वेट है ना माइनस कर देंगे किससे, मोल्ड प्लस सॉइल के वेट से, है ना। तो मोल्ड से मोल्ड कैंसिल हो जाएगा, वेट हमारे पास किसका आ जाएगा, सॉइल का वेट आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 हो जाएगा। ये एक स्टेप हो गई दोस्तों, हमारा वेट ऑफ सॉइल हमें निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, बल्क यूनिट वेट निकालना है, ठीक है, बल्क यूनिट वेट निकालना है। तो बल्क यूनिट वेट हम कैसे निकालेंगे, हमें वेट ऑफ सॉइल मिल गया, हमें वॉल्यूम मोल्ड का वॉल्यूम पता है, मोल्ड का वॉल्यूम हमें पता है ना। कितना वॉल्यूम होता है भाई, देखो सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है, इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पेक्शन की बात की थी, 1000 cm³ है ना वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। तो हम क्या करेंगे, सॉइल के वेट को वॉल्यूम ऑफ मोल्ड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बल्क यूनिट वेट आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, बल्क यूनिट वेट आ जाएगा। अच्छा, ये सब हम कर क्यों रहे हैं, है ना। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि कर क्यों रहे हैं, क्या करना है हमें। देखो हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है भाई, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में। तो हम जो भी करेंगे उसमें हमारा अल्टीमेट गोल रहेगा कि भाई हम ड्राई डेंसिटी निकाल पाएँ और वाटर कंटेंट निकाल पाएँ सॉइल का, ठीक है। ये चीज़ें हम निकाल लेंगे तो हमारा जो गोल है टेस्ट करने का वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि ये निकालने के बाद हमें है ना अलग अलग पॉइंट्स पे प्लॉट करना पड़ेगा और एक ग्राफ बनाना है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे का हमारा मेन मोटो है, हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में। तो देखो जो भी हम स्टेप कर रहे हैं फाइनली हम इन तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, ठीक। तो मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या किया, हमने बल्क यूनिट वेट निकाल लिया, वेट ऑफ सॉइल और टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करके, ठीक। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि गामा डी क्या होता है, गामा डी होता है गामा बल्क अपॉन 1+W, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हमें ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में, ठीक है ना। तो देखो गामा डी क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1+W। अब गामा बल्क तो हमारा निकल गया, पर जब तक वाटर कंटेंट नहीं निकलेगा हम गामा डी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वाटर कंटेंट को 1+ वाटर कंटेंट से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो गामा बल्क निकल गया, अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें वाटर कंटेंट निकल जाए। तो गामा बल्क निकल गया और वाटर कंटेंट निकल गया तो हमारी ड्राई डेंसिटी भी निकल जाएगी दोस्त, ठीक है ना।
तो अब हम कोशिश करते हैं वाटर कंटेंट निकालने की। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने कॉम्पैक्ट किया सॉइल, इसमें से एक सॉइल का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे और उसको एक प्लेट के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। ओवन ड्राइंग प्रोसेस से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। अब हम जो करने वाले हैं उससे हमें वाटर कंटेंट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम एक एम्प्टी वेसल लेंगे, उसका वेट कर लेंगे। ठीक है, तो एम्प्टी वेट हमारे पास आ गया W1। इस पे हम वो मिट्टी निकाल के रखेंगे, है ना, जो हमने कॉम्पैक्ट की थी, है ना, और इसका वेट कर लेंगे। तो हमारे पास किसका वेट आ जाएगा, मोल्ड प्लस जो मिट्टी हमने कॉम्पैक्ट की थी उसका वेट आ जाएगा, है ना, मोल्ड प्लस सॉइल का वेट आ जाएगा। ठीक, तो W1 हो गया एम्प्टी वेट, ठीक है, इस डिस्क का, इस प्लेट का। उसके बाद W2 हो गया किसका, मोल्ड प्लस सॉइल का वेट, मोल्ड नहीं, सॉरी, ये मोल्ड नहीं है, मोल्ड नहीं है, ये मोल्ड गलत लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये मोल्ड नहीं है, इसको आप डिश लिख सकते हो, ठीक है, या प्लेट लिख सकते हो, जो भी चाहो। ठीक है, तो एम्प्टी वेट ऑफ प्लेट हमारा आ गया W1, ठीक है, प्लेट प्लस सॉइल का वेट आ गया W2। अब आपने इसको क्या किया, इसको आपने एक उसमें ओवन में रख दिया, ओवन में रख दिया, तो इसका पानी जो था ये नीला नीला जो दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ब्लू ब्लू बनाया भी है थोड़ा सा, है ना, तो वो क्या हो गया, वो इवापोरेट हो गया, निकल गया पूरा। ठीक है, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको इसको गर्म करना होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा करोगे तो उसका क्रिस्टलाइन वाटर भी निकल जाएगा, जो वाटर उसमें केमिकली एड है वो भी निकल जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं करते हम लोग, है ना, 105 से 10 के बीच में ही करते हैं। तो अब पानी इसका इवापोरेट हो गया, तो आपके पास क्या बची, सिर्फ मिट्टी बची ड्राई। तो अब आप इसका वेट ले लोगे, तो आपके पास क्या आ गया, प्लेट प्लस ड्राई सॉइल का वेट आ गया। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हमारे पास आई, इससे हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं क्या? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वाटर कंटेंट होता क्या है। वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो देखो भाई, वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे आप, वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, ये देखो। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए आप इस W2 में से W3 को माइनस कर दोगे, तो देखो जो प्लेट है उनका वेट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस वेट सॉइल में से ड्राई सॉइल माइनस हो जाएगी, है ना, तो क्या बचेगा आपके पास, पानी का वजन बचेगा ना। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, वेट ऑफ वाटर निकलेगा W3 माइनस W सॉरी W2 माइनस W3, है ना, क्योंकि W2 ज़्यादा रहेगा क्योंकि उस मिट्टी में पानी है पहले से, है ना। ये देखो, इसमें इससे इसको माइनस करोगे तो प्लेट से प्लेट कैंसिल हो जाएगी, ड्राई सॉइल से ये ड्राई सॉइल बच जाएगी, जितना पानी एक्स्ट्रा था वो वेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो वाटर कंटेंट निकालने के लिए आपने क्या किया, है ना, वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या किया आपने, W2 माइनस W3 किया। ठीक है, अब आपको निकालना वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड निकालना बहुत आसान है भाई। आप क्या करो, W3 में से, है ना, W3 में से W1 को माइनस कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लेट से प्लेट का लोड कैंसिल हो जाएगा और जितनी ड्राई सॉइल थी उसका वेट आपको मिल जाएगा। तो W3 माइनस W1, तो ये वेट ऑफ सॉलिड आ गया W3 माइनस W1 आपका। ठीक है भाई, तो अब क्या करोगे आप, अब दोनों का रेशियो निकाल लोगे तो आपका वाटर कंटेंट निकल जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, है ना, तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 आप करोगे तो आपका वाटर कंटेंट यहाँ पे निकल जाएगा दोस्तों। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वाटर कंटेंट। एक सेकेंड, हाँ, तो भाई हमारा वाटर कंटेंट जो था वो हमारा आ गया, वाटर कंटेंट आ गया। बल्क यूनिट वेट आप लोग पहले से निकाल चुके हो भाई, गामा बल्क निकाल चुके हो, तो आप क्या गामा डी निकाल सकते हो, ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हो। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W। ठीक है, तो गामा बल्क आप लोग का पहले आ गया था, अब वाटर कंटेंट ये आ गया, इसको यहाँ से 1 प्लस W से डिवाइड कर दो तो आपका ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या आ गया, एक रिलेशन गामा डी की वैल्यू मिल गई करस्पॉन्डिंग टू गिवन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, एक गामा डी की वैल्यू मिल गई किसी पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के लिए। अब अगर हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएं, ठीक है, वाटर कंटेंट हम बढ़ाते जाएं, तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जितनी मैंने आपको बताई,
देखो फिर से हम एम्प्टी पिवट का ये डब्लू वन लेंगे है ना, फिर डब्लू टू लेंगे, डब्लू टू माइनस डब्लू वन करेंगे, फिर गामा बल्क निकालेंगे है ना, थोड़ा सा पानी और सॉइल में मिलाने के बाद, ठीक है, फिर हम उसको ड्राई करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको ड्राई करेंगे, ये सारे वेट निकालेंगे, फिर हम एक नया वाटर कंटेंट निकालेंगे, फिर नया गामा डी निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलता जाएगा, अलग अलग गामा डी मिलते जाएंगे अलग अलग वाटर कंटेंट के लिए। हमें गामा डी डैश मिल गया थोड़ा सा पानी बढ़ाने के बाद डब्लू डैश के लिए, फिर हमें गामा डी डबल डैश मिल जाएगा फॉर डब्लू डबल डैश के लिए। तो इस तरीके से हम लोग ये सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ मैंने आप लोगों को लिखी हुई है कि फॉर डब्लू वन जो पहले से पानी जितना सॉइल में था उसके लिए हमें गामा बल्क मिला, और गामा बल्क से हमने गामा डी वन निकाल लिया। अब हमने थोड़ा सा वाटर कंटेंट और बढ़ाया, ये देखो एरो का साइन जो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि बढ़ा रहा है। तो डब्लू टू आपने थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, तो आपको गामा बल्क टू मिला और आपको गामा डी टू मिल गया, ठीक है। बढ़ता जा रहा है आपकी ड्राई डेंसिटी, जब जब आप फार्मूले के थ्रू निकाल रहे हो आपको कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रही। फिर आपने थोड़ा सा पानी ऐड किया डब्लू थ्री, फिर आपको उसके हिसाब से गामा बल्क मिला, फिर गामा डी मिला, फिर आपने थोड़ा सा पानी और बढ़ाया उससे आपको एक नया गामा बल्क मिला, उससे आपको एक नया गामा डी मिला, फिर आपने थोड़ा सा और पानी बढ़ाया तो फिर से आपको एक गामा बल्क मिला। अब देखो गामा बल्क की वैल्यू घट गई, कम मिली आपको। अब आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये क्यों कम मिली क्यों ज़्यादा हुई, पर आप टेस्ट परफॉर्म करते जा रहे थे पानी को, थोड़ी पानी की वैल्यू ऐड कर करके, थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे थे फिर सारी चीज़ें निकाल रहे थे, फिर थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे थे कंटिन्यूसली। आप देखो पहली बार जो किया उससे बाद आपने पानी और बढ़ा दिया, डब्ल्यू थ्री में और बढ़ा दिया, डब्ल्यू फोर में और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया है ना, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स, ऐसे 6 बार आपने टेस्ट रिपीट किया और पानी बढ़ाते गए आप। तो आपकी पहले तो गामा बल्क और गामा डी बढ़ रही थी, बढ़ रही थी गामा बल्क और गामा डी बढ़ रही थी, फिर आपकी गामा बल्क घट गई तो गामा डी भी घट गई, क्योंकि गामा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा बल्क होती। फिफ्थ टाइम जब आपने पानी बढ़ाया तो आपको एकदम से देखा कि आपका गामा बल्क कुछ घट गया है और गामा डी भी घट जाएगा। सिक्स टाइम भी आपने देखा तो फिर से आपका गामा बल्क कुछ कम मिला आपको, तो गामा डी भी आपको कुछ कम मिला, ठीक। तो आपने इस गिवन वाटर कंटेंट के लिए है ना, इस वैल्यू पे जो वाटर कंटेंट था, इस गामा डी वाटर कंटेंट एंड 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 गामा डी की सारी वैल्यूज आपने नोट कर ली, और आपने वाटर कंटेंट और गामा डी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, वाटर कंटेंट और गामा डी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो शुरू में तो वैल्यूज इंक्रीजिंग थी, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो वो गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में आपकी वैल्यू शुरू में इंक्रीजिंग थी, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से वैल्यू आपकी डिक्रीज़ होने लगी है ना, गामा डी की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ होने लगी जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट कंटिन्यूसली बढ़, मतलब वाटर कंटेंट आपका अभी भी बढ़ रहा है पर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आपकी ड्राई डेंसिटी कम होने लगी। तो जब हमने प्लॉट किया तो हमें ये ग्राफ मिला बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, ठीक है। आई होप आप लोग के समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अगर नहीं आ रहा है ना तो आपको पेशेंस के साथ फिर से इसको एक बार ट्राई देना पड़ेगा, फिर से आप देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया, जो इनिशियली थोड़ा बढ़ रहा था वो अब बाद में घटने लगा। तो हमें एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि भाई जब आप मिट्टी में पानी मिलाते हो और उसको कॉम्पैक्ट करते हो तो इनिशियली क्या होती है, आपकी गिवन वाटर कंटेंट में आपको ड्राई डेंसिटी मिलती है, बढ़ती जाती है, फिर वाटर कंटेंट आप बढ़ाते हो और ड्राई डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है, ये बढ़ गई, फिर वाटर कंटेंट आप बढ़ाते हो फिर आपकी ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है, फिर आप वाटर कंटेंट बढ़ाते हो ड्राई डेंसिटी आपकी कम होने लगती है, कम होने लगती है और कम होने लगती है ना। तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में ही आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल रही थी है ना, तो इस वाटर कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो ओएमसी जानना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट था, ओएमसी मतलब वाटर कंटेंट की वो वैल्यू जिस पे आपको ड्राई डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना।
और अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मतलब वो वाटर कंटेंट है ना जो किसके करस्पॉन्डिंग हो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के, इज कॉल्ड ओएमसी या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो इसके बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आपकी डेंसिटी कम होती जा रही है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि शुरू में तो वाटर जो होता है, वाटर का बढ़ना ऑप्टिमम मॉइस्चर तक के फैसिलिटेट करता है ड्राई डेंसिटी को बढ़ाने में या डेंसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाने में। और एक पर्टिकुलर वैल्यू से बाहर अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ाने लगते हो तो फिर आपकी डेंसिटी जो है वो कंटिन्यूसली कम होती जाती है ना। ये देखो यहाँ पे आपकी डेंसिटी कम हुई, इसके बाद ये डेंसिटी और कम हो गई, इसके बाद यहाँ पे डेंसिटी आपकी और कम हो गई, है ना। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाहर अगर पानी को बढ़ाया जाए, है ना, तो आपकी जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूसली कम होती जाती है। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के पहले पहले या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक आप वाटर कंटेंट बढ़ाओ तो आपको डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलती है, बढ़ती रहती है, और मैक्सिमम उस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पर आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है दोस्तों, है ना। तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा, है ना। समझ में तो आया ही होगा, बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ डाउट बच रहा है ना, या फिर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो एक एक चीज़ अच्छे से डिस्कस की है ना, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। पार्ट्स में देखो, पहले आप देख लो टेस्ट करते कैसे हैं, फिर टेस्ट में निकालते क्या हैं, फिर उसको निकालने के बाद प्लॉट क्या करते हैं, और वो प्लॉट हमें समझा क्या रहा होता है ना। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है तो आपके क्लियर हो जाएगा दोस्तों, है ना। सो दिस इज़ द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, एंड दिस ग्राफ इज़ नोन एज, है ना, ग्राफ ऑफ वाटर कंटेंट वर्सेस ड्राई डेंसिटी, ठीक है। और इसमें हमें जो मेन चीज़ मिलती है वो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी होती है वो उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। अब हम एक कंपैरिजन करेंगे कि हमने क्या किया था, इंडियन स्टैंडर्ड लो कॉम्पेक्शन से को रिलेट करके ये टेस्ट पूरा परफॉर्म किया था। अगर हम हैवी कॉम्पेक्शन करें तो ग्राफ्स में क्या वेरिएशन आता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में क्या वेरिएशन आता है, ड्राई डेंसिटी में क्या वेरिएशन आता है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो लाइट कॉम्पेक्शन वर्सेस हैवी कॉम्पेक्शन या स्टैंडर्ड प्रॉक्टर वर्सेस मॉडिफाइड प्रॉक्टर, है ना, अगर हम ग्राफ देखेंगे तो क्या वेरिएशन आएगा उसमें, ये हम समझेंगे दोस्तों। तो आई होप अभी तक का जो हमने समझा वो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।